स्विंगस बेकरी एंड हम बनाएंगे पिज्जा पेज. होम मेड पिज्जा पेज विल मेक विद आटा विल मेक. ओके लेट्स स्टार्ट द रेसिपी. हम लोग पहले बेस के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे गुनगुना पानी ले लेंगे. ऐसे हम लोग इसे फील कर सकते हैं, ऐसे गुनगुना पानी लेंगे. तो हम लोग यहाँ पे शुगर देंगे, कितना, अराउंड 1 टीस्पून. मेरा छोटा है तो मैं 2 बार दे रही हूँ यहाँ पे, बस उतना ही. हम लोग यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्सअप देंगे. ओके टेक ए स्पून और अच्छे से उसको हम लोग मिक्स करेंगे. शुगर पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है. ऐसे करके हम लोग पूरा इसको मेल्ट कर देंगे शुगर को इसके अंदर. शुगर पूरा ऐसा मेल्ट हो गया है. हम लोग इसमें अभी हम लोग ईस्ट डालेंगे. मैं यहाँ पे ऐसा ब्लू बर्ड का ईस्ट ले रही हूँ, ठीक है. आप लोग ऐसा कुछ अच्छा ब्रांड का ऐसा कुछ लीजिए, क्योंकि लूज ईस्ट क्या होता है ना, अच्छे से फर्मेंट नहीं होता है, हम लोग अच्छे से टेक्स्चर नहीं आता है, ठीक है. ये हम लोग अभी देंगे अराउंड 1 टीस्पून, ठीक है. बस हो गया. वॉन्ट हम लोग को यहाँ पे 2 कप आटा है तो हम लोग उसके अनुसार ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, फिर खट्टापन आता है, इसका टेस्ट आ जाता है फिर उसमें. ओके फिर ये हम लोग अभी इसमें ऐसे मिक्स करके अच्छा से रख देंगे इसमें, जैसे कि ये पूरा फर्मेंट हो जाए, ठीक है. आफ्टर फर्मेंट हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे. इसको हम लोग ऐसा अभी ढक के ऐसा छोड़ देंगे इसको, ठीक है. इसे ढक के अभी इसको रख देंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे. हम लोग पहले कभी क्या करेंगे, आटा को पहले हम लोग छान लेंगे. मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ हाफ कप मैंने मैदा लिया है. दिस ऑल्सो यू कैन ओमिट इट. आपको नहीं पसंद है तो आप पूरा यहाँ पे आटा ले सकते हो. मैंने 1.5 कप मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है एंड 1/2 कप मैंने मैदा लिया है. आप पूरा यहाँ पे आटा ले सकते हो, ओके. इसको अभी हम लोग अच्छे से छान लेंगे, ओके. छानना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हम लोगों को अंदर क्या होता है ना, एयर पूरा यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है अंदर, तो छानना इससे सब कुछ ऑलवेज ना बेकिंग में ना छानना ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. केक बोलिए, कुछ भी आप बना रहे हो तो पहले छान लीजिए. कुछ भी जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो ना, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, सब टाइम छान लीजिए. ये हमने छानना हो गया है अच्छा से, हमने छान लिया है. अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग ने अभी ये किया था, फर्मेंट करके रखा था हम लोग का यीस्ट और शुगर, ये देखिए अच्छे से फूल गया है. तो अभी हम लोग ये वाला थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे देंगे. पहले ना यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉल्ट दे देते हैं, जस्ट हम लोग यहाँ पे ऐसा 1 टीस्पून हम लोग सॉल्ट दे देंगे. फिर हम लोग ये धीरे धीरे डाल देंगे इसमें, ठीक है. धीरे धीरे इसमें डाल देंगे और हम लोग अच्छे से इसको भून देंगे. भूनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अच्छे से हम लोग इसको अभी भून देंगे, ठीक है. वी वॉन्ट ए सॉफ्ट डो हियर. और हम लोग यहाँ पे इन्हीं फ्लेवरलेस ऑयल देंगे, ठीक है. मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून दे रही हूँ अभी. फिर हम लोग को भूनने का होने के बाद फिर थोड़ा हम लोग ऊपर से देंगे. फिर अच्छे से हम लोग इसको भून लेंगे. टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे ना, बहुत अच्छा सा आपका पिज्जा बेस बन जाएगा घर का. यू नो ऑलवेज इट इज सेफ बाहर से. अभी हम लोग को पानी चाहिए ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग को जस्ट वार्म वाटर, हम लोग पूरा कोल्ड वाटर नहीं देंगे, वार्म वाटर हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम लोग ने फर्मेंट किया था ना ईस्ट, उसी से का पानी यहाँ पे दे देंगे. ऐसे वार्म वाटर दीजिए यहाँ पे, कोल्ड वाटर मत देना. वार्म वाटर से देने से अच्छा सा आपका टेक्सचर भी अच्छा आएगा. ओके वी वॉन्ट ए सॉफ्ट डो हियर, नॉट हार्ड. अच्छे से हम गूनेंगे इसको. पानी चाहिए यहाँ पे, वार्म वाटर करके रखना थोड़ा, वो इससे हम लोग अच्छे से इसको गूनेंगे. अच्छे से गून के
हम लोग इसको भी रख देंगे मिनिमम वन एंड हाफ आवर टू टू आवर्स तक। फिर देखना आपका डो अच्छे से फूल जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ओके, आपको देखना खाप चिपचिपा लग रहा है तो थोड़ा ऑयल देना, पानी ऑयल मत देना, ऑयल से करेंगे। यहाँ पे आप आटा मैदा कुछ मत देना, हम लोग यहाँ पे ऑयल से अपना चिपचिपाट निकाल देंगे। ओके, अच्छा अपना हाथ का एक्सरसाइज हो जाता है। घर का चीज़ ऑब्वियस सेफ होता है, तो उस हिसाब से आप अच्छा से घर में बनाइए, फैमिली से खिलाइए। पिज़्ज़ा, यू नो एवरीवन लाइक्स पिज़्ज़ा, तो हेल्दी खाने से अच्छा लगता है। आपको भी मन में डर नहीं रहेगा तो पिज़्ज़ा खा रहे बच्चे कैसा होंगे, इज़न्ट इट? इसलिए थोड़ा सा मेहनत चाहिए बस। हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऑयल देंगे, मेरे हाथ में थोड़ा चिपचिपाट लग रहा है। अच्छे से इसको हम लोग गूंद लेंगे। इस भी थोड़ा मतलब हम लोग को जो इतना मेजरमेंट है उतना समझ के देना चाहिए, नहीं तो हम लोग का पिज्जा बेस है ना, इसका थोड़ा स्मेल आता है। आपको टेस्ट भी देखना है इसका थोड़ा आएगा, इसलिए 1.5 teaspoon इज एनफ इतने के लिए। और आपका चीज़ बट मतलब आपको ज़्यादा करना है तो यू कैन इंक्रीज इट। ठीक है, देखिए सब अच्छा से कितना अच्छा सॉफ्ट बन गया है। फिर से हम लोग को थोड़ा ऑयल देना है, यहाँ पे लग रहा है हम लोग हाथ में। यहाँ पे आटा मैदा देने से क्या होगा ना, वो फिर से वो टेक्सचर नहीं आएगा, फिर आपका ड्राइनेस रह जाएगा ऊपर से, इसलिए हम लोग यहाँ से ऑयल से दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आप गूंद के अभी रख देंगे इसको। हम लोग इसको मसाज दे देंगे, फिर इसमें ना हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा ऑयल अप्लाई करेंगे। ओके, ऑयल अप्लाई करने से क्या होगा, इसका साइड में ड्राइनेस नहीं आएगा, चिपकेगा भी नहीं। ये राइस होता है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको अच्छा से ग्रीज अप कर देंगे। ओके, और इसके ऊपर भी हम लोग डो के ऊपर भी थोड़ा ऑयल लगा देंगे। सॉफ्ट हो गया, देखिए अब इस प्रेस करोगे ना आपको समझ में आएगा कितना सॉफ्ट है। तो ऐसा करके हम लोग उन्हें सब ऐसा लेके अंदर हम लोग लॉक कर देंगे इसको, लॉक एंड की। ओके, इसको हम लोग अभी ऐसा इसको छोड़ देंगे अच्छा से राइज अप होने के लिए। ऑयलिंग कर दीजिए अच्छे से, इसको आप ऊपर से अच्छे से कवर अप करके इतना वार्म प्लेस में रख दीजिए ताकि अच्छे से वो राइज हो जाए आफ्टर 1.5 घंटा और 2 घंटे के लिए। ऐसे ही हम लोग 2 आवर्स हम लोग इसको चेक करेंगे। ओके, एंड आगे का प्रोसेस करेंगे। पिज़्ज़ा हम लोग को देखिए कितना अच्छा फ्लफी हुआ है, कैन सी कितना अच्छे से फ्लफी, देखिए
हम लोग इसमें अच्छा से इसको पंच देके अच्छा से इसको सॉफ्ट बना लेंगे, एकदम प्लेन। कितना अच्छा से फूल गया है हम लोग का बेस का पिज़्ज़ा का बेस का, देखिए। अभी हम लोग थोड़ा से इसको गूंद लेंगे और हम लोग को जितना चाहिए उतना हम लोग इसमें से बॉल निकाल सकते हैं बेस के लिए, उतना निकाल लेंगे। ओके, इसमें हम लोग थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथ में। ओके, और अच्छा से इसको फिर से भून लेंगे। हम लोग आज पैन में बनाएंगे बेस, तो मैं पैन इसलिए गर्म करने के लिए दे रही हूँ यहाँ पे। पैन में भी कितना अच्छा पिज़्ज़ा बेस बनता है, प्रीहीट कर लेंगे, इसलिए हमने गर्म करने के लिए रख दिया है पैन को। ओके, अभी हम लोग इसको बॉल बना लेंगे। ओके, थोड़ा बड़ा साइज रखिए, छोटा जैसा आपको पसंद होगा आप ऐसा कर सकते हो। मैं मीडियम साइज रख ली हूँ इसे बॉल। ओके, बाद में बनाने से आप पिज़्ज़ा बेस बना के रख दीजिए, यू कैन कीप इन फ्रिज ऑल्सो, कुछ नहीं होता है, यू कैन हैव इट आफ्टरवर्ड ऑल्सो। आपको जैसे चाहिए टॉपिंग आपके हिसाब से, नॉन वेज वेज जो आपको चाहिए आप दे सकते हो। ओके, पनीर का टॉपिंग जो मर्जी आप दे सकते हो। पिज़्ज़ा बेस में जस्ट बटर अप्लाई करके सॉस लगा के अपना हिसाब से टॉपिंग लगाइए और पैन में पीट पैन में लगा दीजिए 3 to 4 मिनट्स। अच्छा पिज़्ज़ा बन जाता है, बेस रेडी है तो पिज़्ज़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। मेरा यहाँ पे 5 पिज़्ज़ा बेस बना है। ठीक है, आपको यदि चाहिए छोटा थोड़ा बना के आप 6 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो भी हम लोग कर सकते हैं। सो मैं थोड़ा छोटा बना के यहाँ पे 6 कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इसमें से भी मैं थोड़ा निकाल लूँगी और उसमें 6 पिज़्ज़ा पीस बच जाएगा। ओके, फिनिश। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। अभी हम लोग बेल लेंगे, एक बॉल ऐसा ले लिए तो ऐसा करके थोड़ा सा हम लोग अप्लाई करेंगे। आपको छोटा चाहिए तो आप छोटा भी कर सकते हो। ये मिनी पिज़्ज़ा हो जाएगा फिर, isn't it? ये हम लोग को हो बन जाएगा मिनी पिज़्ज़ा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाइफ से नहीं तो फोक जो आपके पास होगा ऐसा हम लोग थोड़ा छेद बना लेंगे। ओके, नहीं तो फूल जाएगा, नहीं तो, isn't it? तो इसमें हम लोग थोड़ा ऐसा करके छेद दे देंगे। ओके, फिर हम लोग इसका बेकिंग के लिए अभी तवा में करेंगे। ओके, इसे हम लोग और एक भी बेल लेंगे ऐसा, बड़ा छोटा जैसा आपको पसंद होगा आप ऐसा कर सकते हो। ये मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। ठीक है, घर में बनाओगे तो आपके मनपसंद आप जैसे भी चाहो बना सकते हो, isn't it? आपको बाहर में आप जैसा मतलब वो लोग दुकानदार जैसे देंगे वैसा खा सकते हो, घर में आपका मनपसंद आप बना सकते हो, इसलिए घर का प्रेफरेबल हम लोग करते हैं इसलिए। ओके, इसके थोड़ा हम लोग बड़ा कर रहे हैं। ओके, फिर ऐसा हम लोग छेद कर देंगे ताकि हम लोग का पिज्ज़ा फूल ना जाए। हम लोग पैन हम लोग का देखिए गर्म हो गया है, हम लोग अभी थोड़ा यहाँ पे बटर दे देंगे। ओके, बटर देने से नीचे का क्रस्ट बहुत अच्छा आता है और हम लोग ऐसा बेस डाल देंगे। ओके, फिर हम लोग इसको 4 to 5 मिनट्स तक हम लोग इसको पका लेंगे। ओके,
हम लोग ये थोड़ा मीडियम हीट में करेंगे तो हम लोग का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा क्रस्ट आएगा। ओके, ऐसे करके हम लोग बाकी का भी पिज़्ज़ा बेल के कर लेंगे, सेक लेंगे अच्छे से। देखिए कितना अच्छा फूल गया है, isn't it? कितना अच्छा सा। अभी हम लोग इसको कलर देंगे, देखिए कलर देखिए। इसको भी हम लोग ऐसा करके ढक के पका लेंगे। कितना अच्छा क्रस्ट आया है, एकदम सॉफ्ट पिज्जा बेस बना है। आप थिकनेस अब ज्यादा भी रख सकते हो। देखिए कलर भी चेंज हो गया है। ओके, नाउ वी गो टू नेक्स्ट वन। ये हम लोग अच्छे से सेक किया है, इसको हम लोग ले लेंगे प्लेट में। नेक्स्ट हम लोग ऐसे दे देंगे, ऐसे करके हम लोग सब पिज्जा बेस बना लेंगे। ओके, आई होप फ्रेंड्स यू लाइक द रेसिपी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल स्प्रिंकलर्स बेकरी। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी इन द नेक्स्ट रेसिपी फ्रेंड्स।